हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम प्रोसेसर के बारे में जानेंगे। प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर के कितने भाग होते हैं, प्रोसेसर कितने प्रकार के होते हैं और प्रोसेसर में जनरेशन क्या होता है। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको इन सारे सवालों का जवाब डिटेल्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, आप देख रहे हैं ऑल इन वन चैनल और मैं प्रिंस यादव अपने इस ऑल इन वन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले देखते हैं प्रोसेसर है क्या। प्रोसेसर एक प्रकार का चिप है जो हजारों लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर के मिलने से बना है। यह कंप्यूटर के अंदर इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को प्रोसेस करता है। इसे आमतौर पर सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। ये मदरबोर्ड से जुड़े हुए होते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, प्रोसेस या प्रोसेसिंग क्या होता है, तो इसे उदाहरण से हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ 4 + 2 = तो आपके मन में ऑटोमेटिक आंसर आ रहा होगा 6। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए, 15 × 2 = आपके मन में यहाँ भी ऑटोमेटिक आंसर आ गया होगा 30। तो यहाँ पे आपके मन में जो आंसर आया यही होता है प्रोसेसिंग। यही काम कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर करता है, इसीलिए प्रोसेसर को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसी तरह 11 × 18 = यहाँ पे आपको प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब दूसरा देखिए, 1572 × 1728 = यहाँ पे आपको प्रोसेस करने में और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। हो सकता है आपको कॉपी और कलम का भी ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर का प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट होता है, वो फटाक से इसे कर देगा। अब आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग समझ में आ गया होगा। ये जो प्रोसेसर होते हैं 3 भाग में बटे होते हैं, ALU, CU और MU। इसमें ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अर्थमेटिक में कैलकुलेशन का काम जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना होता है, और जो लॉजिक सेक्शन है वो लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जैसे किसी चीज़ को कंपेयर करना, सेलेक्ट करना, मैच करना आदि। उसके बाद आते हैं CU, कंट्रोल यूनिट में। ये CPU को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर CU नहीं रहेगा तो अगर आप प्रिंट करेंगे तो हो सकता है आपका जो कंप्यूटर है आपको उसे डिस्प्ले पे दिखाने लग जाएगा, या फिर आपको प्रिंट करने वाले टेक्स्ट को बोल के सुनाने लग जाएगा। और अगर आप किसी सॉन्ग को प्ले करते हैं तो आपको सॉन्ग साउंड से प्ले करने के बजाय वो प्रिंटर से ही प्रिंट करके निकालना शुरू कर सकता है। तो यहाँ पे CU का भी बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पे CU जो है वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है। अब मुझे लगता है कि आपको CU समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम MU को देखते हैं। MU मेमोरी यूनिट होता है जो किए गए कामों, गतिविधियों को याद रखता है, जिससे CPU को प्रोसेसिंग में बहुत कम समय लगता है और यूजर को भी जल्दी से आउटपुट मिल जाता है। अब हमने प्रोसेसर के ALU, CU, MU को देख लिया है। अब नेक्स्ट हम प्रोसेसर के प्रकार को देखते हैं, उसके बाद जनरेशन को देखेंगे। जैसा कि आपको डेफिनेशन में बताया गया है कि प्रोसेसर एक प्रकार का चिप है जो लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर के मिलने से बनता है, और ये चिप अगर एक ही भाग में बटा रहता है तो इसे सिंगल कोर बोला जाता है, और ये अगर दो भाग में बटा रहता है तो इसे डबल कोर बोला जाता है। अब पहले हम यहाँ भाग में बटे होने का मतलब समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रोसेसर का चिप जितने भाग में बटा रहता है प्रोसेसर उतना ही फास्ट माना जाता है। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी डब्बे में 100 प्रोसेसर रखा हुआ है, उसी 100 प्रोसेसर को एक डिब्बे से निकाल के किसी दूसरे डिब्बे में शिफ्ट करना है। इस काम को एक लोग कर रहे हैं और एक प्रोसेसर को एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में शिफ्ट करने में 1 मिनट का टाइम लगता है। अगर इस काम को एक लोग करेंगे तो उसे पूरे 100 मिनट का टाइम लगेगा। वहीं 2 लोग करेंगे तो 50 मिनट और 4 लोग करेंगे तो 25 मिनट का टाइम लगेगा। उसी तरह अगर प्रोसेसर एक कोर का होगा तो एक लोग के तरह कम पावर वाला माना जाएगा, अगर 2 कोर का होगा तो सिंगल के मुकाबले डबल क्षमता वाला प्रोसेसर होगा। ऐसे ही जितने ज़्यादा प्रोसेसर के कोर होंगे प्रोसेसर का क्षमता भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब फिर से वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर प्रोसेसर का चिप एक भाग में रहेगा तो सिंगल कोर, अगर 2 भाग में रहेगा तो डबल कोर, 4 भाग में क्वाड कोर, 6 भाग में हेक्सा कोर, 8 भाग में ऑक्टा कोर और 10 भाग में रहने पर डेका कोर बोला जाता है। अगर प्रोसेसर 10 भाग से भी ज़्यादा में बटा रहता है तो इसे मल्टी कोर बोल दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, प्रोसेसर में जितना ज़्यादा कोर रहेगा प्रोसेसर का काम करने का स्पीड भी उतना ही फास्ट होगा। अब नेक्स्ट हम जनरेशन को समझते हैं। किसी भी प्रोडक्ट में समय के हिसाब से उसमें बदलाव आते रहता है। कंप्यूटर का प्रोसेसर भी बहुत सारी कंपनियां बनाती है और उसे समय के साथ बदलाव करते रहती है। हम यहां पे समझने के लिए इंटेल का एग्जांपल लेंगे। आपने सुना होगा i3, i5, i7, i9।
ये सारे प्रोसेसर के जनरेशंस हैं। अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि इसमें बेस्ट प्रोसेसर कौन सा है, तो डेफिनेटली आप बोलेंगे i9। कंपनियां हर साल प्रोसेसर में कुछ ना कुछ सुधार करते रहती है, फिर भी उन्हें i3 से i5 आने में 7 से 8 साल तक लग जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए अभी i3 चल रहा है, इसमें थोड़ा बहुत सुधार किया गया तो i3 का सेकेंड जनरेशन आएगा, फिर से सुधार होगा तो थर्ड जनरेशन आएगा। इसी तरह कंपनियां जनरली किसी भी प्रोसेसर को 9th 10th जनरेशन तक सुधार करती है, और जब एक बहुत बड़ा सुधार हो जाता है तो उसका नाम i3 से बदलकर i5 कर दिया जाता है। यहाँ पे i3 का 10th जनरेशन और i5 का फर्स्ट जनरेशन सेम होगा, फिर इसी तरह i5 का सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन आएगा। जब इसमें भी एक बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा तो इसका नाम बदल करके i7 कर दिया जाएगा, फिर i7 का भी नेक्स्ट जनरेशन आएगा और जब इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा तो ये i9 बन जाएगा। इसी तरह अभी तक प्रोसेसर का जनरेशन चल रहा है। यहाँ पे इस वीडियो में मैंने एक चीज़ को इंक्लूड नहीं किया है जो भी प्रोसेसर से ही रिलेटेड है, हाइपर थ्रेटनिंग। अगर मैं इस टॉपिक को इस वीडियो में ऐड करता तो आपको कन्फ्यूजन पैदा हो जाता, अगर मैं इसका कन्फ्यूजन दूर करता तो ये वीडियो लंबा हो जाता, फिर आप इस वीडियो को अभी तक देख भी नहीं रहे होते, जिस कारण से मैंने हाइपर थ्रेटनिंग को इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। इसे हम एक स्पेशल वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रोसेसर के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।